नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अरविंद संगम। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप पासपोर्ट साइज फोटो खुद ही अपने मोबाइल के माध्यम से बना सकते हैं। जैसा कि आप किसी लैब में जा करके अपनी फोटो को बनवाते हैं, आपको इकट्ठे ढेर सारी फोटो और कम प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी में मिल जाती हैं। दोस्तों कम प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी आप खुद ही अपने मोबाइल के माध्यम से बना सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद ही उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों क्या तरीका होने वाला, किस प्रकार से बनाया जाता है, आज मैं आपको फुल डिटेल कंप्लीट वीडियो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में स्टार्ट से एंड तक बने रहेगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में आ रहे बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर से प्रेस करें, ताकि फ्यूचर की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पासपोर्ट फोटो एडिटर। जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, मैं इसका डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। आप लिंक पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप खुद ही प्ले स्टोर पर इसे सर्च करेंगे पासपोर्ट फोटो एडिटर, तो कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। इस प्रकार का एप्लीकेशन रहने वाला है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस प्रकार से दिख जाता है, काफ़ी बेस्ट एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। किसी भी कंट्री की जो भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है उसको आप अपने मोबाइल के माध्यम से खुद ही बना सकते हैं। दोस्तों फ़ोटो बनाने से पहले, फ़ोटो एडिट करने से पहले आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो भी फ़ोटो आप बनाना चाहते हैं पासपोर्ट साइज, पहले आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। कहने का मतलब उसकी बैकग्राउंड जो है उसको वाइट कर लेंगे, अगर कोई भी बैकग्राउंड है, अदर बैकग्राउंड है। दोस्तों अगर आप फोटो का जो बैकग्राउंड है उसे चेंज करना नहीं जानते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप वीडियो को देख लीजिएगा और कैसे रिमूव किया जाता है, बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फोटो के बैकग्राउंड को चेंज कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर न्यू फोटो वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में किस कंट्री के लिए आप पासपोर्ट की जो साइज है उसको, पासपोर्ट साइज की जो फोटो उसको बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए मैं UAE दुबई आईडी कार्ड के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में इमेज के जो रेजोल्यूशन है इसको आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, 300 DPI या 450 DPI या 600। तो हम 600 DPI को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखते हैं उसका प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाता है जो कि फ़ोटो का रहने वाला है। जैसा कि आप देखते हैं 6.65 है जो इसका ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर रहने वाला और 4 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई रहने वाली है। उसके बाद में यहाँ पर आप दो ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे जाते हैं, एक कैमरा का एक गैलरी का। तो आप कैमरा से डायरेक्टली फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं तो आपको बैकग्राउंड रिमूव नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड अपना हटा लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो को गैलरी से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसा कि अपने गैलरी से फ़ोटो को सिलेक्ट करके आपको आगे दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मैं अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ, बट मैंने इसका बैकग्राउंड नहीं हटाया था, तो मैं आपको वीडियो के लिए दिखा दे रहा हूँ। वैसे ही आप अपने हिसाब से उसको बैकग्राउंड को हटा लीजिएगा, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसा। तो स्टार्ट एडिटिंग वाले ऑप्शन पर नीचे आपको क्लिक करना होगा, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू विथ ADS वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, अगर आपके पास भी कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है तो। उसके बाद में फ़ोटो को आप यहाँ पर अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा, जैसा कि टेढ़ा है या कुछ भी इस प्रकार का है, तो आप फोटो को यहाँ पर ऑटो एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फ़ोटो को अपने साइज में अपने हिसाब से कर लीजिएगा जो भी इसकी साइज है। और उसके बाद में ऊपर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैंने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो जो हमारा पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो रहने वाली है कुछ इस प्रकार का उसका प्रीव्यू हमारे सामने आ जाता है। और उसके बाद में हमें सिंपली ऊपर वाले ऑप्शन पर, क्रॉप वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है तो फोटो ऑटोमेटिक जहां से भी वो अपने हिसाब से कट कर लेता है। उसके बाद में हमें यहां कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली हमें ऊपर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर नेक्स्ट कर देना है। तो देखते हैं फ़ोटो की जो साइज है कुछ प्रकार से हो गई। अब आप अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सेव कर लीजिए, तो मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। इसके पहले ऑप्शन पर मैं भी क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी बैकग्राउंड हटाना नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइल नेम, नेम वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करके यहाँ पर अपनी फ़ोटो का कोई भी नाम दे देना है, जैसे मैं अपना नाम ही खुद यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद में जो फाइल टाइप है वो JPEG में या PNG में, किस में आप इसको सेव करेंगे
वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फाइल की जो साइज़ है वो कितने केबी में रहने वाली है, लार्ज या स्मॉल, अपने हिसाब से वो भी सिलेक्ट। तो मेरे हिसाब से लार्ज ही रहने देना है आपको। उसके बाद में सेव वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फ़ोटो है आपके गैलरी में कहें या फिर अपने एप्लीकेशन में सेव हो गई है। अब हमें सिंपली ऊपर यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर डन कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर फिनिश लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों जैसे हमने फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो दोबारा से मैं फिर से होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ। उसके बाद आपको माई फोटोज वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक करना है, और जो भी फोटो अभी आपने एडिट की उस फोटो के ऊपर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। और उसके बाद में नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट मल्टीपल कॉपीज वाले ऑप्शन पर इस प्रकार क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है आपको कितनी कॉपी चाहिए। जैसे मेरे को 18 से 20 कॉपी चाहिए, तो मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं आपके सामने इतनी फ़ोटो आ जाती है। तो अपने हिसाब से जो भी आप फ़ोटो की कॉपी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद में ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से आप सेव कर लीजिएगा। सेव फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो आपके एप्लीकेशन में फ़ोटो सेव हो जाती है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे सामने हमारी जो फ़ोटो है आ चुकी है। अब हम फिनिश वाले ऑप्शन पर ऊपर ही फिर से क्लिक कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने दो बार फोटो अपनी एडिट की हुई है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर दोनों फोटो हमारी लैब जैसी फ़ोटो आ चुकी है। अब इसको आप शेयर करके प्रिंटर की मदद से खुद ही प्रिंट कर सकते हैं, या फिर ईमेल, व्हाट्सएप किसी के जरिए आप शेयर कर सकते हैं, और इसको आप किसी शॉप से या फोटो लैब से इसको प्रिंट करवा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।